नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुनील कुमार द लीगल टाइम्स से एक नए प्रावधान के साथ। नॉर्मली होता क्या है, आपके खुद के रिलेटिव्स या आपके दोस्त यार आपसे कहते हैं यार मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, एक गारंटर चाहिए, तो आपके गारंटी बन जाओगे। आप सोचते हो कोई बात नहीं, रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई बात नहीं होगा, करना बन जाते हैं और आप मेरे प्यार से गारंटी आते हैं। जब बैंक आपसे डॉक्यूमेंट सेंड करता है गारंटर पर, आप साइन मार देते हैं। होता क्या है, मजे मजे लोन आ लिया, आप भी खुश हुए थे, पार्टी ने भी लोन ले लिया, पार्टी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, ऐसा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लेकिन कुछ समय के बाद, एक साल के बाद, दो साल के बाद, होता क्या है, जिसने लोन लिया होता है डिफॉल्टर हो जाता है। अब डिफॉल्टर होता है तो सारी लाइबिलिटी के ऊपर गारंटर में आती है, तो गारंटर के पास क्या लाइबिलिटी आती है जी, जो गारंटर जो लोन लिया होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो बचता है बेसिक, और जो इंटरेस्ट जितना बनता है या लेट पेमेंट जो है वो सब गारंटी की लाइबिलिटी हो पाती है। तो इससे बचने का प्रावधान क्या है, उसकी रेमेडी पर बात कर लेते हैं आज। रेमेडी सर ये है, जब भी आप कोई से रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ होती है आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो एक सिंपल सी रेमेडी है जो शायद तुक्का कहते हैं चल जाए, वो बात करते हैं अपने कंडीशन से। तो आप क्या करें, आप पार्टी हो गए, सर ऐसा है मैं देने को तैयार हूँ, मुझे कोई डिनाई नहीं है, लेकिन हमने अपने बीच में एग्रीमेंट कर लेते हैं, नोटरीज एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर किसी कारणवश बैंक लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो जो आपकी प्रॉपर्टी फलाना जगह में पड़ी हुई है ना, तो उसका 10वां हिस्सा जब होगा वो मेरे पर राइट में चला जाएगा। जब भी आप गारंटर वो हटेगा मेरे पर लाइबिलिटी आएगी। तो उसमें क्या होगा, उस पॉइंट से क्या होगा कि वो भी सोचेगा यार इस पॉइंट बंदा मुझे गारंटी तो दे रहा है और एग्रीमेंट भी करना चाहता है, तो हो सकता है वो आपसे गारंटी ना ले। या दूसरा पॉइंट ये भी सोच सकते हैं, अगर उसका वो प्रॉपर्टी है ही नहीं तो वो ये कहते हैं जिसके आवाज में लोन लिया गया, जिस शॉप के अगेंस्ट लिया गया, तो उसका जो प्रॉपर्टी सेल मूवेबल प्रॉपर्टीज या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई सेल का हिस्सा आता है उसका 10% आएगा, जो भी लॉस आएगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, इनफैक्ट जो प्रॉफिट मिलेगा, जो रेवेन्यू अर्न होगा उसका सेल पे उसका 10% कम को दिया जाएगा। तो जो भी आप एग्रीमेंट कीजिए रिटर्न में कीजिए, या आप ये कहते हैं जो आपकी मोटरसाइकिल है वो सीज़ कर लूँगा मैं, ये कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कंडीशनल गारंटी दीजिएगा जो भी है। तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, डिफॉल्ट प्रैक्टिस चार्जेस हो जाते हैं, पता नहीं होता, आपने एक खुशी खुशी में एक दोस्ताना याराना के अंदर रिलेशनशिप के अंदर आपने गारंटी दे दी, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान रहिए, सावधान रहिए, कुछ भी देने से पहले बहुत सोच समझ के प्रावधान को दीजिए। तो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।